आज ये मैच दुनिया के न जाने कितने देशों में देखा गया होगा। ये पहचान अगर किसी ने बना करके दी तो समाजवादियों की देन है, समाजवादी सरकार की देन है। बीजेपी ने तो केवल इतना किया है कि जो भगवान के नाम पर एकाना स्टेडियम था उसका नाम बदल दिया। तो नाम बदलने वालों से नहीं चीजें बदलती हैं, जब कुछ काम होगा बड़ा तब चीजें बदलती हैं। तो समाजवादियों ने कम से कम ऐसे बड़े काम किए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, जिसका परिणाम यह है कि आज दुनिया देख रही है और जो लोग यहां आ रहे होंगे उन्हें खुद महसूस हो रहा होगा कि ऐसा ही अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और बने होते तो शायद और उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल मैच हो सकते थे। मुख्यमंत्री जी भी आने वाले हैं, जो देखिए यहां पर आएंगे मैच देखने। वो समाजवादियों का काम देखने आए हैं और बहुत सारे और भी लोग भाजपा के आए होंगे, वो समाजवादियों का काम देख करके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं होगी लेकिन दिल में उनके खुशी और धन्यवाद दे रहे होंगे समाजवादियों को। दूसरे प्रदेश से लोग यहाँ पे आए, हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा बहुत खूबसूरत स्टेडियम है, गर्व की बात है कि उत्तर प्रदेश में वर्ल्ड कप हो रहा है। देखिए मैं वो तारीफ स्वाभाविक है, कोई अच्छी चीज है उसकी तारीफ होगी, जो अच्छा काम होगा उसकी तारीफ होगी। मैं खुद एक दूसरे दल के सांसद के साथ बैठा था, मुझे नहीं पता था कि वो मैच देखने आए, वो खुद महसूस कर रहे थे कि ये स्टेडियम वर्ल्ड क्लास स्टेडियम है और एक नई पहचान, और कम से कम देखने से ये लगता है कि लखनऊ के हेरिटेज, लखनऊ के आर्किटेक्चर को कम से कम एस्थेटिकली दिखा रहा है। सर 22 तारीख को अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।